हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक केम। आज हम डिस्कस करते हैं एंटी मेटाबॉलिटिक्स। ओके, तो इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे लाइटिंग एजेंट, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं, चैनल पे है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है एंटी एंटी मेटाबॉलिटिक्स, ठीक है। एंटी मेटाबॉलिटिक्स आर सच कंपाउंड विच इसेंशियल प्रिवेंट द बायोसिंथेसिस ऑफ नॉर्मल सेलर मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिटिक्स, ठीक है। सिंपल से स्टेटमेंट है, द जनरल प्रोसेस क्लोज स्ट्रक्चर रिसेम्बल्स टू द मेटाबॉलिटिक्स विच इज अल्टीमेटली एंटागोनिस्ट। दे हैव अ टेंडेंसी टू अंटिल विद द एक्टिव साइट एज इफ दे आर द एक्चुअल सबस्ट्रेट। ओके, देन एंटी मेटाबॉलिटिक्स आर साइटोक्सिक एजेंट एंड अ सब्सटेंट दैट कॉम्प्लीट्स विद रिप्लेस और इनहेबिट अ स्पेसिफिक मेटाबॉलिटिक्स ऑफ अ सेल, देयर बाय इंटरफेयर्स विथ द सेल नॉर्मल मेटाबॉलिटिक्स। ओके, देन इट इज इंटरफेयर्स विद डीएनए एंड आरएनए, जो कि न्यूक्लिक एसिड होता है, सिंथेसिस बाय एक्टिंग एज अ फ्लैश मेटाबॉलिटिक्स विच आर incorporated into the DNA strand or block essential. Okay, then in general following are the various classes of anti-metabolites usually employed in the treatment of cancer. They are namely antifolic acid compound, analogous of purines and analogous of pyrimidines. ठीक है, तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट था, किसका नोट्स था, एंटी मेटाबॉलिटिक्स का, ठीक है। तो आपके थ्योरी एग्जाम में 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर रहना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।